सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह एक तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह एक पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था, और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल 2 गाड़ियाँ होती है, इनमें से एक गाड़ी
ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर। और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा। तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़
दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल यूजर की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगत सलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल 2 गाड़ियाँ होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं
वहां पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गांव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है, उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाता है, वही आपको दिखाया गया है। और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था।
अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जाल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल 2 गाड़ियाँ होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने
शायद पहले नहीं सुने होंगे, तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियां होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियां हैं वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था।
तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा। पुष्पा उसको अच्छा लगा तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था। तो वो बोल देता है चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते हैं वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी।
अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है, वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था, और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है, दरअसल दो गाड़ियां होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है, और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है, और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा, बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली, तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ बाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते फाहद फासिल।
तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह एक तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंत अनुज प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से।
जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जाल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था, और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियां होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियां है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है, और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है, और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं।
तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह एक तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह एक पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल यूजर की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है, दरअसल 2 गाड़ियाँ होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा
बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गांव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को
आईएमडीबी की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगत सलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंत अनुज प्रभु, जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है, वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जाल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था, और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है, दरअसल दो गाड़ियाँ होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है, और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है, और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा, बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है,
और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं।
फिर जो पुष्पाराज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है, दरअसल 2 गाड़ियां होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियां है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गांव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते हैं वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं।
जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों, ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों, इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाले मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियां होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियां है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर
फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तो कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गांव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल
गूगल यूजर की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंत प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है, वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जाल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था, और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियाँ होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है, और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है, और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा, बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली, तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाता है, वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको Amazon Prime पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास
सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह एक तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह एक पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाले मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं
और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियां होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको।
दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल यूजर की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगा सलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल 2 गाड़ियाँ होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा। तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि
कि अगर हम उससे पकड़ लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है, उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाता है, वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना,
सामा थानोज प्रभु, जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जाल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियाँ होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो
2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथा प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था, और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है, दरअसल 2 गाड़ियां होती है, इनमें से एक गाड़ी
ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर। और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा। तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो, तो पुष्पा मना कर देता है। और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते हैं वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं है, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़
दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियां होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियां है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है जहाँ पर वो लकड़ियाँ बाई करते हैं
वहां पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गांव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है, उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे वो फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाता है, वही आपको दिखाया गया है। और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी, सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह एक तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंत अनुज प्रभु, जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था।
अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल 2 गाड़ियाँ होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने
शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह एक तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह एक पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल यूजर की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगासलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाले मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियां होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियां है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी
तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा। पुष्पा उसको अच्छा लगा तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो। और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से इंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी।
अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल यूजर की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, सामंथा प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट हैं ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से, जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है, वो पैसों का दाम डबल कर देता है, और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपये तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गाँव से बिलोंग करता था, और उसके गाँव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है, दरअसल दो गाड़ियाँ होती हैं, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियाँ है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे, और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है, और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है, और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा, बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गाँव छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA, उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते फहाद फासिल।
तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते वही आपको दिखाया गया है, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवीज में से एक है, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि यह मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको इस मूवी की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखें, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते भी नहीं हैं, बस स्किप करते हैं और नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जबकि हमने वीडियो के अंदर सब कुछ बता के रखा होता है कि मूवी कहाँ पर आपको मिलेंगी और मूवी की कहानी, मूवी की स्टोरी सब कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में आराम से एंजॉय कर सको। दोस्तों ये मूवी बनाने में बहुत सारा टाइम गया था, और पहले इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोविड के चलते इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर बाद में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए और आप इस मूवी को आराम से हिंदी में एंजॉय कर सको। तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, पुष्पा द राइज। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो यह तेलुगु भाषा की मूवी थी, पर इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था, क्योंकि यह पैन इंडिया मूवी थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की जनरेशन के बारे में, तो यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की थी कि आपको यह मूवी एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को 90% मिले थे गूगल रिव्यू की तरफ से, यानी कि इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, जैसे कि रंगस्थलम, आर्या, आर्या 2 जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सामंथन प्रभु जो कि आपको एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है, फहाद फासिल, अनुष्या भारद्वाज, सुनील, प्रकाश राज, धनंजय, और भी बहुत सारे कास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो दो ऐसे कास्ट है ना, उनका लुक काफ़ी तगड़ा था, जिनमें से एक तो हमारे हीरो अल्लू अर्जुन और एक सुनील, जो कि उनका लुक था काफ़ी दमदार था। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर मूवी इतनी कमाल की है कि आप इस मूवी को दोबारा ज़रूर देखोगे, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हम एक बार देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, और हमारा फिर भी मन लगता है कि हम इस मूवी को दोबारा देखें। तो यह मूवी इन्हीं में से एक है। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम के लड़के से, यानी कि इस मूवी के हीरो से।
जो एक ट्रक के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसको कोई रोकता है, वो पुलिस वाले होते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तब पुष्पा इन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, फिर भी पुलिस वाला नहीं रुकते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर जो पुष्पा राज है वो पैसों का दाम डबल कर देता है और ऐसे कर करके वो 1 लाख रुपए तक खींच देता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को पैसों से मतलब था, अगर उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, अगर बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा काम बन जाता। तो पुलिस वाला मान जाते हैं, पुष्पा से पैसे ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर यहाँ से जो पुष्पा की कहानी है वो पास्ट लाइफ में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो इन सब के बारे में हमें आगे वो बता रहा है। तो पुष्पा एक गांव से बिलोंग करता था और उसके गांव में उसके साथ उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगले सीन में पुष्पा एक गाड़ी के अंदर बैठता है। दरअसल दो गाड़ियां होती है, इनमें से एक गाड़ी ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठेगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आ जाएगा काम कर कर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उसके अंदर कोई भी बैठेगा तो सही सलामत घर आने की कोई भी गारंटी नहीं है, बट उसको पैसे बहुत मिलेंगे। तो पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग चंदन की जो लकड़ियां है वो कहीं बेच रहे थे, मतलब इलीगल तरीके से वो काट के बेच रहे थे और पुष्पा उसके अंदर ही काम कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोगों को धमकाती है कि तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो, लकड़ियाँ काट रहे हो ना। तो पुष्पा उससे पहले सभी लकड़ियों को छुपा देता है और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर जो ओनर था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसको पुष्पा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा, पुष्पा उसको अच्छा लगा, तो वो पुष्पा से ऑफर करता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करो। तो पुष्पा मना कर देता है और पुष्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा बट तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कुछ टका देना पड़ेगा। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें टका दूंगा तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा, बल्कि मैं तुम्हें पगार दूंगा मंथली तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर भी पुष्पा मना कर देता है। तभी यहाँ पर पुष्पा का एक दोस्त होता है, पुष्पा को बोलता है कि यार तू कैसे बात कर रहा है, अगर हमको कुछ टका देगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा लॉस होगा। तो फिर भी पुष्पा नहीं मानता है और उससे डील कर लेता है। फिर सामने जो बंदा था उसको भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था, तो वो बोल देता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे टका ही चाहिए तो दे देता हूँ। फिर वो बंदा पुष्पा को 2 टका देता है। फिर अगले सीन में पुष्पा बहुत खुश हो रहा था और अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगर हम उससे पगार लेते तो हम उसके नौकर होते, बट अब हम इसके साथ हैं, मतलब हम भी पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस हाँ ही बोल रहा था। फिर जो पुष्पा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर बन रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ करने की आग थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि अब जो पुष्पा था वही सोच रहा था कि लकड़ियाँ वो डायरेक्ट बेचेगा, यानी कि जंगल के अंदर काट कर डायरेक्ट जहाँ पर मेन स्टेशन है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ वाई करते हैं, वहाँ पर जाकर बेचेगा। तो इस तरह से पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। फिर वो पुलिस वाला भी गांव छोड़ के भाग जाता है क्योंकि अब उसका मुमकिन नहीं था कि वो रोक सके पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था तो उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आए थे और बहुत लोगों को पैसा भी खिलाता था, जैसे कि MLA उन सबको पैसा खिलाता था। अब यहाँ पर पुष्पा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर दूसरा एक कास्ट एंटर होता है क्लाइमेक्स के अंदर, वो होते हैं फहाद फासिल। तो फहाद फासिल इस मूवी के आप मैन विलन कह सकते हो, जो कि पहले दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ पर जो फहाद फासिल है उन्होंने पुष्पा के साथ कुछ घटिया काम किया था, मतलब उनकी इज्जत पे वह हाथ डाला था। तो क्लाइमेक्स के अंदर पुष्पा कैसे फहाद फासिल को अपने असली औकात दिखाते हैं वही आपको दिखाया गया है और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी। पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस मूवी को अपलोड कर लिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ बिंदास देख सकते हो, और मूवी के अंदर डायलॉग, मूवी की डबिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना।